वेल, बिग बॉस सीजन 16 अभी अभी शुरू हुआ है, हफ्ता भर ही हुआ है, लेकिन हफ्ते भर के अंदर ही क्या बिग बॉस को मिल चुकी है अपनी बिग बॉस सीजन की इस सीजन की विनर? तो चलिए बताते हैं कौन हो सकती है विनर, एंड इस बार भी ऑफ कोर्स कौन हो सकती है, यानी एक फीमेल कंटेस्टेंट का नाम ही सामने आ रहा है। तो आखिर कौन है ये फीमेल कंटेस्टेंट जिससे बताया जा रहा है कि अभी इस सीजन की विनर वही बनेंगी? इसके पीछे की क्या है कहानी, क्या है लॉजिक, किसने कहा है ये बड़ा बात? तो चलिए आपको सारी कुछ चीज़ें इस वीडियो में बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। बता दें कि इस साल हर साल की तरह बहुत सारी चीज़ें जो है हमें अलग अलग देखने मिल रही है, जो बिल्कुल भी पिछले साल नहीं हुई थी। एक्सपेक्टेशंस है बिल्कुल इसी तरीके से चले, लेकिन नहीं हो रहा है। हर बार कुछ ना कुछ चीज़ें बदल रही है, वेकअप सॉन्ग नहीं है, वेकअप अलार्म है, एंथम गाना पड़ रहा है, कोई भी कैप्टन सेफ नहीं है पूरे हफ्ते में, उनकी कैप्टनसी कभी भी जा सकती है, दे हैव टू वर्क 24/7। बिग बॉस भी अपना गेम खेल रहे हैं, बीच बीच में चुगली लगा रहे हैं कौन क्या कह रहा है, बीच बीच में कुछ ना कुछ बातें हो रही है। यहाँ पे अब बेडरूम टाइप नो, चार बेडरूम है, सो चारों रूम में अलग अलग लोग रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एक अलग से टीम है, एक अलग से ग्रुप है। बिग बॉस के घर के अंदर जो लोग खेल रहे हैं उनका अलग से ग्रुप है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चल रही है, लेकिन फिर भी इन सब में एक ऐसी टीम है जो एक ऐसी चीज़ है, माफ़ कीजिए, जो अभी भी वैसी ही की वैसी है, जहाँ पे सलमान खान आते हैं, बैश करते हैं, जो गलत कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं उनकी तारीफ भी करते हुए नज़र आए। अब सीज़न 14 में सलमान खान ने ये बात रुबीना से कही थी कि अभिनव तुम्हारा गेम बेसिकली स्पॉइल कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, रुबीना ने ही बिग बॉस सीजन 14 की ट्रॉफी उठा ली। और कितना भी लोगों ने कहा कि यू नो अभिनव कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभिनव से एक्सपेक्टेड बहुत है, रुबीना के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, रुबीना के लिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं, ही इज़ लेटिंग हर फाइट हर ओन बैटल्स वगैरह वगैरह, लेकिन ही न्यू वट केपेबिलिटीज़ रुबीना हैज़ एंड वी सॉ हर इमर्जिंग एज द विनर। सेम विद बिग बॉस 15, जहाँ पे सलमान ने कई बार कहा कि करण तेजस्वी तुम्हारा गेम स्पॉइल कर रहा है, एंड यू नो यू शुड प्ले इट इंडिविजुअली, और बहुत सारी चीज़ें कहते रहे करण को, कहा यू आर नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर हर, ये वो। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, विनर कौन बने? येस, इट वॉज तेजस्वी। अब सीजन 16 में इस शुक्रवार के बारे में कहा गया था प्रियंका से कि प्रियंका तुम बिल्कुल सही जा रही हो, तुम काफ़ी अच्छा खेल रही हो, लेकिन एक स्पीड ब्रेकर है अंकित नाम का जो तुम्हें स्लो डाउन कर रहा है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है कि नो अंकित उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है या कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा है, शांत शांत टाइप रहता है, और कंपैरेटिवली करण इतने शांत नहीं थे जितने रूबी जितने अभिनव और अंकित है। बट स्टिल प्रियंका को यही कहा गया है कि तुम काफ़ी अच्छा खेल रही हो, सही जा रही हो, और कहीं ना कहीं वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है जैसी तेजस्वी और रूबीना थी। सो फैंस का यह दावा है सोशल मीडिया पर, मैंने कई सारे ट्वीट्स देखे जहाँ पे फैंस का इस थियोरी के चलते दावा है कि 14 रुबीना, 15 तेजस्वी और 16 अब प्रियंका के नाम होने वाला है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट, क्या आप भी इस चीज़ से अग्री करते हैं? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। आई विल सी यू सून।